प्रदान करोगे काले बादल स्वरूप, तुम्हारी छवि को देखकर मेरा मन रूपी मयूर कब नाचेगा। लखी समझकर मेरी ओर
कब देखोगे शाम। हे ब्रजांगनाओं के चितचोर, मेरे भी चित को कब चुराओगे। दासियों की दासियां, उनकी भी दासी कब बनाओगे। कृपालु जी कहते हैं, वो सौभाग्यशाली दिन कब आएगा शाम, जब मैं तुम्हारे प्रेम रस में विभोर अपने तन की सुदबुद्ध भुला बैठूंगी। कब कृपा दरअसल।
ऐसे कब दई किसकी भक्ति करते हैं। एक तो आप लोगों को पता है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। ये गीता का सिद्धांत है कि जो जीव जिस भाव से जिस प्रकार जितनी मात्रा में भगवान की भक्ति करता है उस जीव से भगवान भी उसी भाव से उसी प्रकार उतनी ही मात्रा में भजन करता है भक्ति करता है। भजन में हम ने गीता का वाक्य है श्री कृष्ण का, मैं भजन करता हूं। गवारी भाषा में समझो, हम लोग सेवा चाहते, भगवान की सेवा चाहते, तो हम भगवान की सेवा चाहते हैं, भगवान हमारी सेवा चाहता है उसी मात्रा में, कम अधिक नहीं, बराबर का बैलेंस। हम शांत भाव के भक्त हैं, हम दास भाव के हैं कि हम सख्य भाव के हैं कि हम वात्सल्य भाव के हैं कि हम माधुर्य भाव के हैं, उसी भाव से भगवान हमारी भक्ति करेगा। ये पांच भाव होते हैं भक्ति करने में। तो शांत भाव को योगियों का है कि कोई इंपॉर्टेंस नहीं, दास सख्य वात्सल्य माधुर्य ये चार प्रकार के भावों से भगवान की भक्ति होती है।
यानी भगवान श्री कृष्ण में से भगवान निकाल देने के लिए ये चार प्रकार की भक्ति है। भगवान निकाल दो, अब केवल श्री कृष्ण बचे, वो हमारे स्वामी है। नंबर दो, इससे ऊंचा, वो हमारे सखा है। नंबर तीन, इससे भी ऊंचा, वो हमारे पुत्र है। नंबर चार, सबसे ऊंचा, वे हमारे प्रियतम। इसमें दास भाव वाले जो महापुरुष हैं, वो प्रेमा भक्ति तक जाते हैं बस, उसके आगे उनकी गति नहीं। आप लोग जो भक्ति कर रहे हैं ये साधना भक्ति है, इसके आगे आएगी भाव भक्ति। भाव भक्ति पर अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा 100%, तब गुरु कृपा से मिलेगी प्रेमा भक्ति। तो जो भगवान को स्वामी मानकर भक्ति करते हैं, उनकी गति प्रेमा भक्ति। इसके आगे जाएगा सख्य भाव वाला, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति। ये चार क्लास क्रॉस करेगा जो भगवान को सखा मानता है। राग भक्ति तक पहुंचकर उसका भी स्टॉपेज हो जाएगा। इसके आगे आते हैं वात्सल्य भाव वाले, यशोदा आदि। ये प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति के आगे अनुराग भक्ति तक जाएंगे। एक क्लास और आगे गए वात्सल्य भाव वाले, और अंतिम माधुर्य भाव वाली गोपियां अनुराग भक्ति के आगे महाभाव भक्ति तक जाएंगी। यही महाभाव भक्ति भक्ति की पराकाष्ठा है। इसके आगे एक सीट और है, मागन भक्ति, लेकिन वो किसी जीव को नहीं मिल सकती, वो किशोरी जी की रिजर्व सीट है। मादनाक्ष महाभाव, राजते लाजनी सारो राधा या वेव यस सदा, केवल विश्वभानु नंदिनी में ही मादनाक्ष भाव रहेगा। हाँ, तो आपको तो अभी साधना भक्ति करना है, लेकिन लक्ष्य आपको रखना है महाभाव तक का, इसलिए माधुर्य भाव का लक्ष्य बनाए चलना है अभी से। माधुर्य भाव पे बड़ा आराम है, सुविधा है, फैसिलिटी है। क्या, जब चाहो पति मान लिया, जब चाहो बेटा मान लिया, जब चाहो बाप मान लिया, जब चाहो सखा मान लिया, जब चाहो स्वामी मान लो। यानी हमारी जो मन की वृत्ति है वो परिवर्तन चाहती है, नेचर है। अरे बस चले, अगर हम लोगों का जो मुंह है, आंख है, नाक है, वो चेंज किया करें। हाँ, लेकिन बस नहीं है, इतने कर लेते हैं कि भावों में लाल रंग लगा लिया, आज नीला लगा लिया, आज काला लगा लिया, आज लिपस्टिक लगा लिया, और रंग की कल और रंग की नहीं, उसी में धपड़ थपड़ करते हैं बेचारे। अगर उनका बस चले तो सब चेंज किया करे रोज रोज, आदत। तो इसलिए जब सब भाव हमारे जेब में होंगे तो हमें इस समय माधुर्य भाव नहीं भा रहा है, तो बेटा मान लो, अब उससे भी बोर हो गए सखा मान लो, घोड़ा बनाओ ठाकुर जी को। यानी सब भावों में जाने की आजादी है, लेकिन दास भाव वाला सख्य में भी नहीं जा सकता, वात्सल्य माधुर्य की कौन कहे, अपराध। तुलसीदास जी गए वृंदावन, वहां राधा रमण के मंदिर में पहुंचते ही देखा कि श्यामा श्याम
एक दूसरे का आलिंगन किए खड़े हैं। पत्थर की मूर्ति नहीं, साक्षात पत्थर की मूर्ति तो हम ही लोग देख लेते हैं, इसमें क्या कमाल है। दिव्य दर्शन किया तो दिव्य दर्शन करते ही जैसे ही देखा आंख नीचे कर लिया, क्योंकि तुलसीदास को माता पिता मानते हैं, उनको स्वामी मानते हैं। तो मां बाप परस्पर प्यार कर रहे हो तो नौकर को देखने का अधिकार नहीं, पर अधिकार चेष्टा। लेकिन देख लिया, वो गए तो थे मंदिर देखने, लेकिन वहां राधा कृष्ण खड़े हो गए मूर्ति की जगह पर। अरे विनोदी तो है ठाकुर जी, आ गई मौज में। तो तुलसीदास ने आंख बंद करके कहा, महाराज धनुष बाण ले लीजिए हाथ में, नहीं तो दुनिया कहेगी तुलसीदास ने भक्ति की मर्यादा का उल्लंघन किया, एक कलंक लग जाएगा। भक्ति पर महाराज मेरी तो कोई बात नहीं। तो श्री कृष्ण को धनुष बाण लेना पड़ा। तो दास भाव वाले को तो बड़ी मर्यादाएं हैं, जैसे यो हम कह सकते हैं कि दास भाव का पालन तो असंभव था। जैसे मान लो कोई गुरु है और उसका एक शिष्य है दास भाव। अब अगर इस भवन के अंदर गुरु चलता है तो जहां जहां उसके चरण पड़ते हैं वहां वहां दास का चरण नहीं पड़ना चाहिए, अपराध। जब राम वन को गए और भरत जी रोते हुए जा रहे थे मनाने, तो लोगों ने कहा, महाराज रथ पर बैठ लीजिए, आप पैदल कहां तक चलेंगे, थक जाएंगे राजकुमार सुकुमार। भरत ने कहा, क्या कहा, अरे सिर बल चलाऊ धर्म आसमोरा। अरे सेवक का धर्म तो ये है कि जहां जहां स्वामी के चरण पड़े वहां वहां सेवक का सिर पड़े, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि कोई सिर के बल चले। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। बहुत मर्यादाएं हैं उसमें, और सख्य भाव में फिर मर्यादाएं सिकुड़ जाती है, थोड़ी रह जाती है। बात्सल्य भाव में और सिकुड़ जाती है, और माधुर्य भाव में मर्यादाएं समाप्त हो जाती है, जीरो। श्याम सुंदर हमारो यार लखन को Oh, oh, oh.
चित्तमणि बाकी
सुंदर हमारो या लखन को जिया नंद के।
प्यारी राधे प्यारी
राधे, तू ही मेरी मेरी
तू ही मेरी, मैं भी तेरी, मेरी प्यारी राधे। तू ही मेरी, मैं भी तेरी, मेरी प्यारी राधे। प्यारी राधे, प्यारी राधे, प्यारी राधे, प्यारी राधे, ओ प्यारी राधे, प्यारी राधे, ओ प्यारी राधे। Bye.